चेयर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे में रिकॉर्डिंग होता ना। क्या दिख, क्या बने हो, पार्टीशन दिखाना मेरे को। इसको फॉर्मेट क्यों कर दिया क्या? नहीं, फॉर्मेट नहीं किया, ए बना दिया एलवीएम। बी चेयर एलवीएम का ना, बीजीएम, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड चलाओ, तुम लिखो जी, टारगेट सी एल आई। सर तो बीच वाला कहाँ पे? यहाँ पे, वहाँ पे लिख लो क्रिएट ए वन एलवीएम पार्टीशन, बना लेना। चलो कमांड को बंद समझ के लिख लो। हो गया, चला मुन्ना, टारगेट सी एल आई। बस कमांड लिखो टारगेट सी एल आई। ये तो ये बोल रहा सर, वार्निंग, कुड नॉट लोड द रेफरेंस फाइल, सेल वर्जन टू बाय। तो तुम इंस्टॉल किए थे ना? हाँ। काम करो ना, वहाँ पे बना लो, कंट्रोल सी कर दो। डी से आएगा यहाँ पे, बना एमपीडीएर डॉट टारगेट सी एल आई। टारगेट सी एल आई बना तो है पहले से। छोड़ो, तुम कमांड चलाओ, टारगेट सी एल आई जो पहले चला था। टारगेट सी एल आई इंटर मारो। अब यहाँ पे तुम एलएस करोगे ना, एलएस सब ये दिखाता है, ठीक है ना। ये फोल्डर है, ये फाइल है, तो इसके अंदर जाने के लिए कैसे करेंगे? कमांड होता है, देखो जी, ऐसे आ जाओगे, उधर बैठो, उधर बैठो, एक का देख के तुम एक दूसरा लिख लेना। तो टारगेट के लिए कमांड चलाएंगे ना, तो ऐसा कंसोल आ जाएगा, हैज वाला, ये सर ग्रेटर देन वाला, ठीक है ना। जब यहाँ पे एलएस करोगे तो ये सब दिखेगा, फोल्डर है ये, बाकी ये सब ब्लॉक डिवाइस है, फाइल है, ठीक है। अब हम क्या करें, अरे ये रहा टारगेट सी एल आई। अब यहाँ पे तुम कमांड ऐसे चलाओगे, स्लैश बैक स्टोर स्लैश, हाँ बैक एलएस करना, नहीं कोई जरूरी नहीं है एलएस, वो तो मैं बता रहा हूँ। बैक स्टोर टाइप मारो, फिर लिखो ब्लॉक, टाइप मारो। अब यहाँ पे कमांड चलाओ, मतलब कि बैक स्टोर के अंदर ये ब्लॉक नाम का कमांड है, ठीक है ना। इसी के नीचे दिख रहा है ना, बैक स्टोर के अंदर ब्लैक ब्लॉक है। तो यहाँ पे कमांड चलाओ, क्रिएट स्पेस, देखो यहाँ पे जो सर्वर एक्स कह रहा है ना, डिस्क वन, यहाँ पे तुम कमांड चलाओगे तुमने क्या नाम से बनाया है, वीजी वन के नाम से। हाँ, वीजी वन से, वर्चुअल मैंने वीजी वन से बनाया। एलवीएम वी केयर से, एलवीएम वी केयर से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ना, ये सर्वर एक्स डॉट डिस्क वन, यहाँ पे दो सर्वर वन, ये सर्वर वन कोई ऐसा ही सर्वर, ये सर्वर का नाम है, ठीक है ना। सर्वर वन डॉट, तुम्हारा क्या बनाया है, वीजी वन के नाम से। जी वीजी वन,
स्पेस स्लैश डेव टाइम मत जाओ बीजी क्या है बीकेट में बनाया हो तो बीकेट टाइम मारो बीकेट से ही बनाया बीकेट से बनाया हो जरा इसको ऊपर ले जाना तो स्पेस है बीजी बीजी वन था एल बी तो वी क्या रही है बीजी बीजी वन वी के नाम से बनाया हुआ है यार डिस्काउंट क्यों दिखा रहे हो क्यों दिखा रहे हो तुम्हारा देखो एल बी एम का नाम है वी केयर बीजी का नाम है बीजी वन बीजी वन बीजी आर यहाँ पे तो लिखो ना वीकर लिख तो रहा ठीक है दूसरा कौन है स्लेस करो डेव स्लेस के साथ हाँ स्पेस नहीं होगा ना स्पेस होगा भाई डेव अच्छा यहाँ तक आ चुके हो डेव स्लैश लिख लिया ना डेव का मतलब वी केयर है ना तुम्हारे वीजी का नाम तो वीजी का नाम वी केयर जो वीजी का नाम नहीं है एलवी का नाम है यहाँ एलवी देना है यहाँ यहाँ तो यहाँ एलवीएम का नाम देना है यहाँ पे देना है ना एलवीएम का नाम हाँ तो यहाँ वी केयर दो यहाँ वी केयर जाएगा वहाँ पे जाओ डे हो अभी लुक जाओ तुम लिखना मत डे हो गया ना इंटर मार ये टैब मारो जी वन वी क्या है ना वी क्या नाम का ठीक चलो इंटर मारो लिखो लिख लो आप तुम लोग यही वाला उसमें से देख के लिख लो ना मना वो तो कब तक तो भी कर दिया दूसरा लिख लो नए से क्रिएट करा तो क्या है इसकी सर्वर स्पेस सर्वर के नीचे आप यहाँ चलो फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर के अंदर जाते हैं फॉरवर्ड करके तब ये इसके अंदर गए थे तो ब्लॉक नाम से बनाया था अब आई सी एस आई के अंदर जाएंगे ओके टाइप मारो आई सी एस आई स्पेस टैब मार के देखता हूँ आई एस सी क्रिएट क्रिएट यहाँ पर देखो नाम दो वीकेयर नहीं सर कुछ भी वीकेयर जो दे रहे हैं यहाँ पे क्या है ये अपने डिस्क का नाम है डिस्क जो ब्लॉक डिवाइस बनेगा उसका हाँ। नाम होगा वीकेयर क्या नाम दो यहाँ पे तुम नाम दो आई क्यू एन ये कोई भी नाम दे सकता हूँ आई क्यू एन देना पड़ेगा अच्छा आई क्यू एन डॉट अब तुम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे डॉट के बाद मतलब क्या दो क्या मतलब वी के डॉट कॉम करता हूँ वी के डॉट कॉम कर दो थोड़ा बड़ा नाम दो आज का नाम क्या है आई क्यू एन के बाद दो ना डेट कर दो आज का डेट क्या है आज का डेट है तीस तीस सही पंजून कर दो आईफोन जून जून डॉट वी केयर वी केयर डॉट कॉम वी केयर डॉट कॉम कॉलन कॉलन देना है कॉलन ए वाला नहीं डबल डॉट वाला सिर्फ के साथ
अब यहाँ पे वो नाम दोगे जो तुमने सर्वर नाम यहाँ पे डिफाइन किया था, सर्वर वन नहीं सर्वर वन। अच्छा सर्वर का नाम है सर्वर वन, सर्वर वन ठीक है इंटरनल। www not valid and IQN and vk.com हटा हटा तो vk.com हटा .com यहीं कर दो, zoom.com के अंदर zoom.com करो zoom.com डॉट नहीं डॉट कॉम के आगे लिख दो डॉट वी केयर डॉट जून डॉट कॉम डॉट को वी केयर डॉट वी केयर ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू बोल रहा है सर, नॉट वैलिड एज आई कैन, डब्ल्यू डब्ल्यू लगाना पड़ेगा क्या? नहीं डेट हटा दीजिए सर, सिर्फ 2019 रखिए। नहीं इसमें लिया ही है, क्यों क्या हटाया इसमें 30 मंथ ईयर ले रहा है, मतलब कहने मतलब ये ना कहीं से भी वो रिजॉल्विंग टाइप का ना हो ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट वैलिड मतलब कहने मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए जो किसी को बाहर से वो ना हो जाए, जानकारी ना हो जाए कि आपका नंबर क्या है, आईक्यू नंबर। जैसे हमारा वो होता है ना पहचान पत्र का, इससे कोई नंबर है। सर इसमें मंथ ले रहा है डेट ले रहा है? ए मंथ है, मंथ है। तो ये लिख लो ICSI इसको हटा दो, 30 के केवल हटाओ और 06 कर दो जून की जगह। फिर से लिख लो यार, चलो बाकी आगे कमांड चला बवर स्लैश ICSI IQN लिखो
अब ये तुम नाम जो बनाए ना अब यहाँ पे आ जाएगा आई क्यू एन लिखो आई ए स्लैश के साथ ही हाँ आई क्यू लिखो आई क्यू लिखो आ गया ना फिर लिखो टी पी जी वन टी पी जी टैब मारो ए क्या है सर फोल्डर आ जाता है इसके अंदर जाओ ए सी एल्स यहाँ पे चलाओ क्रिएट ठीक है जो तुमने नाम दिया था ना आई क्यू एन वही नाम पूरा पेस्ट कर दो वहाँ पे जाके एस पी एस के साथ हाँ बस सर्वर वन की जगह ना वहाँ पे कर देना डेस्कटॉप वन बड़ा खोल लेना है इसमें छोटा क्यों रखे हुए दो खोला था ना अभी छोड़ दो इसका काम नहीं है डेस्कटॉप वन मतलब दूसरे जगह ये जाएगा दूसरा मशीन जो है ना जी उसको माउंट करेगा ये बता रहा है कि ये जो मशीन है ये तुमने जो डिस्क बनाया जी ठीक है दूसरा मशीन जिसका जो नाम डेस्कटॉप वन होगा वो ही इसको माउंट कर सकता माउंट कर सकता है ठीक है ना ए सी एल बना रही है प्रिंटर बन गया ना लिखो आई सी एस आई आई क्यू एन टी पी जी वन लंस एल यू एन एस लंस क्रिएट स्पेस बैक स्टोर पावर क्लब बैक स्टोर बैक स्टोर हाँ टेन ब्लॉक सेवन ठीक है हमने इसी नाम से बनाया था ना यहाँ पे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर से अपने आप ले लिया ठीक है इसको चढ़ाओ लन बन गया मतलब एक डिस्क बन गया ये सब बाउंस हो रहा है बन तो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा सर नहीं आ रहा है सर बोले बहुत वास्ट हो रहा है वास्ट है ये बहुत वास्ट है इतना आसान नहीं है ये लाइव मूव करने में जल्दी नहीं मिलेगा पूरे एक सर्वर बना दिए सर मैपिंग सर्वर अब इसको तुम सर्वर कर सकते हो डेस्कटॉप वन जिसका रहेगा वहीं ये मैपिंग करेगा मतलब माउंट करेगा ये 2 GB का बनाया ना सर इसको कैसे पता चलेगा कितने जीबी का है क्योंकि जी बी असाइन तो किया नहीं हम लोग हाँ एल बी तो किया है ना अब नीचे आई सी एस आई आई क्यू एन आई क्यू पी पी जी वन पोर्टल्स स्पेस क्रिएट पोर्टल्स के बाद ये नहीं जाएगा हैपन क्रिएट अब ये बता रहा है कि किस पोर्ट पे लिसन करेगा ये ठीक है ना हम यहाँ जो पता तुम दे दोगे कि हमारे से सर्वर का आईपी पे लिसन करे ये लिसन करेगा आउटसाइड से तुम लिसन करना चाह रहे हो बाहर से भी कोई से भी लिसन हो जाए तो इसको तुम काम करो कर दो 0.0.0.0.0 बस बस तुम्हारा ये बता रहा है ना कि ऑलरेडी पोर्ट जो है इस ये जो पोर्ट है इस पे ये बाइंडिंग है मेरे पे भी ये एरर आया था ठीक है ना ऑलरेडी यूज करके तो तुम इसके लिए क्या करो ऐसे जाओ जाओ ऐसे करके फॉरवर्ड स्लैश आई सी एस आई
पहले आईसीआईसी करो। हाँ आईसीआईसी आईपीएन टीपीजी वन इंटर मारो, एलएस करना है पे। उसके अंदर जाओ, पोर्टल्स के अंदर जाओ, उसके अंदर स्लैश पोर्टल्स करके बिना स्पेस का करना। इसी पे करूंगा ना, बैक स्लैश पहले से है, बैक स्लैश है बेटा। इतना पोर्टल्स इंटर मार दो, एलएस करो। ठीक है, यहाँ पे तुम कमांड चलाओ डिलीट पूरा लिखो, लिखो कि केवल डील नहीं, लिखो डिलीट लिखना, डिलीट स्पेस पूरा पेस्ट कर दो, जीरो डॉट जीरो से लेके 30 स्पेस तो नहीं है। मिसिंग रिक्वायर प्रमाण अच्छा अच्छा बिल्कुल 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 डिलीट ना, एलएस करो यहाँ पे। वो ऑलरेडी पोर्ट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, किसी के साथ बाइंडिंग था उसका, अब हम उसको हटाएंगे। अब यहाँ पे चलाओ, फिर से बाहर आऊँ नहीं, कोई बात नहीं, चला दो क्रिएट चला दो क्रिएट जीरो जीरो स्पेस 3260 नो सर्च पाथ। तुमने क्या चलाया है ये, मैंने थोड़ी नहीं बोला चलाने के लिए, यही तो था क्रिएट कर, ये सभी हटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, ऑलरेडी इस पाथ के। अच्छा अच्छा ये चलाओ, चल गया। और सीडी कर दो पूरा सीडी, हाँ इंटर मारो, बाहर आ जाओगे मतलब मेन रूट पे आ जाओगे। एलएस करना, चलो कंट्रोल सी करना, सीडी करके डॉट डॉट करके बाहर आना। ऐसे कर गया बाहर, एक साथ तीन बार करो ना, सीडी करो डॉट डॉट स्लैश ये स्लैश डबल डॉट दो डॉट एक स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश अब एलएस करो। यहाँ पे लिखना था सेव कॉन्फिग, टैब से आएगा एंटर। ये लास्ट वाला कमांड लिखे तुम लोग, नहीं लिखे पर्सनल डिवाइसेस लिखवा भाई। ये सब तो डॉट डॉट तो आता है उसको, ये वाला नहीं ऊपर जा, ये वाला दिख रहा ना, इसके जो लाइन देखो ना जहाँ से इन्होंने लिखा था ये वाला बाकी था ना इसमें, यहाँ तक लिखा है बस नहीं, ये तीसरी
एक और करो ना, एक और पैक कर दो ना, देख लो यार, एक और पैक करो, आप करो। ये था नहीं, ऊपर और जा, यही था ना, यही है, ये चल रहा था ना सर, आप और ऊपर जाना, और ऊपर जा। लंग्स वाला देखिए, कमांड लंग्स वाला, ये नहीं लंग्स हैं, ये नहीं, ऊपर और जाने के बाद एसीएल वाला हुआ, एसीएल वाला लिखा हुआ, एसीएल वाला लिखा, डेस्कटॉप जिसमें हो, डेस्कटॉप बन, इसके बाद वाला करना, ये वाला, ये नहीं लंग्स लिखो, ए ए यही है, ये जो तू लिख रखा है ना, बस यही चल रहा जा रहा है, टारगेट टारगेट ऑफ स्लैश कर, इसमें लंस लिख, टारगेट नहीं है ना सर, ये है टीजी टीपीजी टीपीजी, बैक स्टोर्स स्टोर्स स्लैश ब्लॉक स्लैश सर्वर वन रिकेयर, सर्वर वन हो गया, डॉट रिकेयर, नीचे कर रहा हूँ अभी, ये तो लिखना पड़ेगा ना सर, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको वहाँ ले जाकर थोड़े करेंगे, अगर एग्जिस्ट बताएगा तो मैं जाकर उसके अंदर जाकर डिलीट करके फिर से बनाऊंगा, यही होगा ना, लिख लो इसका जी स्पेस 3260 कर दो, तुम मत चला ना, तुम हाँ। चला चुके हो उसको लिखने के लिए, 3260 समझ में आया था किसी क्या बताया, याद रखना पड़ेगा हर एक चीज को सर, ये ऐसे नहीं याद होगा, अभी बताइए सर, याद होगा, बस ये है कि ध्यान में रहेगा जी, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, आपको ये सब पूछेगी कैसे माउंट करोगे, हाँ ठीक है, ये सब काम तुम्हें ना करने की जरूरत नहीं है, सब काम तुम्हें करा कराया मिलेगा, जो भी जहाँ पे भी जाओगे तुम्हें लंस वो बना के देगा, तुम्हें कहेगा कि तुम माउंट कर लो, अब जो हम माउंट करेंगे ना इससे, वो मेन है, वो सिंपल चीज़ है, पूछा था मैंने, ठीक है जी, हो गया ना ये सेव कॉन्फिग हो गया, चलो मुन्ना तब तुम सेव कॉन्फिग नहीं हुआ, लास्ट में सेव कॉन्फिग लिख लो, बता दो तो क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अभी तो कुछ पता चलता, देखिए आपका जो एलबीएम अपने जो डिस्क है आपका, हम उसको एज ए ब्लॉक स्टोरेज में किसी दूसरे को दे रहे हैं माउंट एक्सेस करने के लिए, जैसे आप एनएफएस वगैरह शेयर करते हो ना किसी को, अपना डिस्क वगैरह शेयर करते हो, उसी तरह आप अपना पार्टीशन एक दूसरे को शेयर, एक सर्वर बनाकर, हाँ एक सर्वर बनाकर, समझो कि स्टोरेज सर्वर है ये, आप अपना एक डिस्क दे रहे हो दूसरे मशीन को कि आप यहाँ पे एक्सेस करो, काम करो, जो डेटा सेव करोगे वो यहाँ पे इसके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगा, थोड़ा ये पेचीदा वाला है, चलो इसको सेव कर लिया ना, डिलीट करो, सही सेव तो लिखा है, जो जो तूने चेंजेस किया ना कहाँ पे बन गया, एक जेएसएन नाम का फाइल बन गया, ईटीसी टारगेट, इसे पहले बड़ा तो करो दिखे, config.json बड़ा कर ले यार, अब नहीं समझ में आया ना तो इसका चांद बड़का दूंगा, इसे नहीं दिख रहा है ना सर, यही करके खोलना इस फाइल को, यही करके इस फाइल को खोलो, कॉपी कर लो ना, उस पर डबल क्लिक करो हो जाएगा, अच्छा देखो सर,
एडमिट कर दें, बोलो जो जो तुमने किया ना सारा ये इसका एक जेएसएम फाइल बन गया। नीचे आ तो पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया ये सब वन पोर्ट नंबर ये सब कुछ आ गया इसमें। चलो बाहर आ जाओ जी, एक ही कमांड में इतना टाइम लगेगा यहाँ पे यूज कैसे करेंगे पर नहीं माउंट तो नहीं हुआ ना। हाँ तो इसको लॉगिन करना पड़ता है। अब इसको कोई काम करो यहाँ पर चलान तो LSBL के यूज कैसे करेंगे सर LSBL के BLK क्या दिखा रहा है सर? ये तो तुम्हारा सिस्टम का डिफॉल्ट पार्टीशन दिखा रहा है ना 9GB जो मैंने बनाया है। आप तुम जाओ लिखो ICSI। अच्छा नहीं एक एक काम एक एक पाथ और चेंज करना पड़ेगा VIM या PTC ICSI किस में जाऊँ तो दूसरा पहले जिसमें माउंट करना है उसमें सर्वर वाला सर इस पे इस पे इस पे क्लाइंट वाले VIM PTC ISCSI देखो ना टैब नहीं मारा ना तो यहाँ पे काम हुआ वहीं मारेगा टैब। INIT खोलो खोल दो खोलो ये यहाँ पे जो है ना जो इनिशिएटर नेम है जो इनिशिएटर नेम जो तुम्हारे वॉइस आउटपुट आया था IQN नेम यहाँ पे देखो दूसरा पड़ा हुआ है ठीक है ना। इसको कमेंट करके एक इसे कॉपी करके का दूसरा बना पहला लोग कमेंट कर दो अब ये मिटा हुआ IQN नंबर से मिटा हुआ एक मिनट ऐसे तो लगाओ गए तो हो पर क्या कर रहे हो तुम ठीक है ओके ये मिटाओ यहाँ से IQN से वहाँ लास्ट तक वहाँ पे जो आउटपुट आया था ना थोड़ा ऊपर जाओ इसको स्क्रॉल करके आउटपुट जो आया था ना डिस्कवरी करने पे ये नाम डालो पूरा वहां तक नहीं तो कॉपी करो नवी गेट तक कॉपी करो यहाँ पे सर्वर बन के ना डेस्कटॉप कौन दिखना पड़ेगा ठीक है ना। अच्छा हटा दो ऐसा क्या क्योंकि हमने जो यहाँ पे बनाया है क्लाइंट के लिए वो डेस्कटॉप कौन के नाम से बनाया है सेव करो चलो हाँ सेव करो अभी यहाँ चला दो सिस्टम CTL रीस्टार्ट ICSI रीस्टार्ट यहाँ पे ICSI ASCSI इसका जी बोलते हैं इसका ठीक है ठीक है अब कमांड चलाओ ISCSI ISCSI
ADM space -m space node node space -m target name target name target target name space अब यहाँ पे डालो तुम IPVM वाला पूरा डेस्कटॉप वाला हाँ IPVM वाला पूरा ले लो हाँ डालो सर तो जब हम रिकवरी किए तो वहाँ पे क्यों नहीं आया था डेस्कटॉप पर दूसरे किस आगे यहाँ सर्वर नहीं है बीके डेस्कटॉप डालना है ना सर्वर वन नहीं डालना है सर्वर वन स्पेस एस ई आर वी ई आर वन स्पेस हाइफ़न पी हाइफ़न पी तो उसका आईपी डालो इस मशीन का पब्लिक आईपी क्या था बताओ एक मिनट देखो 18.221.166.149 again colon shift के साथ 3260 3260 space hyphen l hyphen l enter login करना है ठीक है ना अब एक काम करो अभी तुम काम करो इसको कंट्रोल सी कर दो पेस्ट कर लेना कॉपी कर लेना या कॉपी करके रख लो क्या पूरे कर लेना सर बस अब जाना तो वेयर लिव ETC करके अरे भाई ETC क्यों बोलते वेयर ETC वेयर एक अपने आप में पार्टीशन है पढ़ते नहीं हो तुम लोग बेसिक से ऐसे करो सीडी करके जाओ वेयर लिव के अंदर लिव एल आई बी आई एस सी एस आई से करो इंटर एल एस करो यहाँ पे यहाँ पे जाओ नोट्स इस पे तो सीडी करके जाना होगा सर कैसे जाते हैं फोल्डर में बड़े सही जगह मेरे को एलएस करो आ गया इसमें लगा
डिफॉल्ट। अब वही सेम कमांड चलाओ जो पहले से नहीं चला गया। ओके क्योंकि नहीं किया था मैं, कंट्रोल सी करके बाहर आ गया था। चला दूं नो रिकॉर्ड्स फॉर्म आई, क्या तुमने चलाया? ATM हाइफन एम नोड टारगेट नेम IQN पूरा सर्वर का अपना नाम है सर, सर्वर 1-3 फिर IP है। बड़ा करो क्या सर इसे? Thank you.
पब्लिक आईपी से नहीं हो रहा था, ठीक है, लोकल आईपी से हो रहा है। था ना टारगेट सी एल आई से मेरे पास भी एरर आया था, ठीक है। चल गया उसे, सक्सेस हो गया, पर लोकल पे चला है ना सर, लोकल आईपी पे चला है ना। नहीं उसमें ना सर्विस जो रिस्टार्ट करना है ना ICSID। अच्छा, अब उस पे भी चल जाएगा, इस पे ये सर्वर पे हमने डिस्क बनाया और यहाँ पे हमारा माउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट ऐसे यहाँ पे किया जाएगा, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे तुम काम करो, ये चलाओ LSBL के। GB माउंट हो गया, 2 GB के बनाए थे तुमने, 2 GB इसके अंदर आ गया वो। पर माउंटिंग तो इसका बिल्कुल ही अलग है सर। हाँ ये ऐसे ही माउंटिंग होगा सर। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हम लोकल डाले हैं क्या इसका हम प्राइवेट डाल सकते हैं? प्राइवेट ही लोकल होता है। ओ सॉरी, पब्लिक पब्लिक भी डाल सकते हो। ये तो मैंने ऐसे सस्पेंस के लिए देखा था कि ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि आपस में जब दो सिस्टम आपस में एक जगह है तो लोकल से कम्युनिकेट करोगे ना, पब्लिक से थोड़ी ना करोगे। बहुत मथक है ये वाला, लिख लो कमांड डिस्कवर वाला लिख लो और एक वाला लिख लो ये लॉगिन वाला, फाइल में चेंजेज वाला भी लिखा तुमने। आयुष है, आयुष इससे बाहर रह जाऊं उसका। हाँ कोई नहीं, इस पहले लिखवा दो तो इनको डिस्कवरी वाला ये लिख लो, इधर लिख लिया सर, डिस्कवरी लिख लिया है। अब वो फाइल में चेंजेस लिख लिया etc/scsi initiated डॉट हाँ वहाँ पे लिख लिया था ना, क्या लिख डालना है बेटा उसके अंदर, डेस्कटॉप वाला डालना था। अच्छा डेस्कटॉप वाला जो सर्वर वाला है सर, तो रिकवरी करते तो वहाँ डेस्कटॉप वाला। आयुष है, आयुष ऐसे ही वाला है, भेजो उसको, इसके अंदर जाओगे ये वाला डालना है आईक्यू में, भेजना। कहाँ है आईक्यू? ठीक है सिक्स रिकवरी कर रहा है जो डेस्कटॉप वाला काम करता है। भाई माउंट करेगा उसी सिस्टम से ना, उसके सिस्टम आपने माउंट कर दे रखा डेस्कटॉप वन के नाम से, वही इनिशिएटर का नाम यहाँ डिफाइन करोगे ना, फीचर में बताया जाएगा ना सर कि ये है। हाँ बताया जाएगा क्यों नहीं बताया जाएगा, उसके बाद है तुम्हारा, उसके बाद यही है ना लॉगिन है ना सर, डिस्कवर लिख लिया है, डिस्कवर लिख लिया कहाँ पर ये डिस्कवर क्यों चलाए थे सर? डिस्कवरी करने के लिए कि आपने जो सर्वर पे जो दे रखा है आईक्यू नेम, इधर आ गए ये सब यहाँ साफ कर। मालूम है सर हम लोग कंफ्यूज इसी पे होंगे, इस आईपी पे। क्यों आईपी पे होंगे, आईपी पे क्यों होंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी डाल दो, पब्लिक आईपी से ले लेगा। तो जो हम डिस्कवर पे डालेंगे उसी को तो वहाँ माउंट करेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन के लिए है आईपी तो। चलिए देखेंगे, डिस्कवर वाला हो गया, अब लॉगिन वाला। ये आईपी कौन सा? आईपी वाला वही है लोकल। अरे ये वो है जो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हाँ वो दूसरे वाला जो वो पुटी है ना उसका है, ये दूसरे वाला पुटी के है ना सर, ये आईपी जिसपे तुमने वो बनाया था सर, जहाँ पे हम अपना सर्वर बना रहे थे। सर्वर पे काम चल रहा है, हो गया बनाओगे ना वो पीछे जो किए थे वो है, ये माउंटिंग वाला है, माउंट का बिल्कुल ही अलग ही तरीका है इसका, उसके जैसा हम लोग नहीं माउंट करेंगे। ये सब देखो यहाँ पे कॉपी रख दी थी, हटा सीधा कर SCSSION SCSSION हाँ सेशन ऊपर कर दो, ऊपर आई स्टार ऊपर कर दो,
ऊपर कर ऊपर बिल्कुल ऊपर कर मछली वाला का सेशन स्पेस हाइफन कैपिटल पी थ्री कैपिटल पी थ्री इसके अंदर कैसे कॉपी होगा स्कूल वाला निकाल ये निकाल यहाँ पे लिखो पाइप लगाओ ग्रेप अटैच्ड ए डबल टी कैपिटल ए होगा तुम्हारे सिस्टम से कौन सा ड्राइव अटैच हुआ है SDA हुआ ठीक है ठीक है अब तुम क्या करोगे इसको तुम फॉर्मेट मारोगे यहाँ पे लिखो MKFS यही है ना हाँ MKFS हाइफ़न टी टी XFS XFS स्पेस स्लैश देव SDA1 होगा ए तो हार्ड डिस्क होता है ना जो पार्टीशन मेन पहला पार्टीशन होता है SDA1 होता है ठीक है आप इसको तुम वो करो BLK ID स्पेस इसका बनाओ इसका BLK ID बनाओ SDA1 बहुत बड़ा है तो यहाँ से होगा ना इंसर्ट दबाना अच्छा वो कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट किया वो इंसर्ट इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट स्पेस काम आउट करेंगे हम लोग स्लैश डेटा में ठीक है स्लैश डेटा ना लिखो डेटा पहले से बना होना चाहिए ना बना लेंगे बाद में डेटा स्पेस XFS स्पेस नहीं होना चाहिए ना इसमें कि है हाँ है XFS स्पेस 0.0 नहीं अंडरस्कोर अंडरस्कोर हाँ नेट इसमें स्पेस रहेगा XFS के बाद भाई फाइल सिस्टम पढ़ाया था मैंने क्या 5 पैरामीटर बताए थे ना अलग अलग तो तुम कैसे कह रहे हो कि स्पेस नहीं होगा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है नेट लिखा अंडरस्कोर नेट डेव
ये नेट लिखे हो ना? हाँ हाँ नेट डेव स्पेस 0.0 जीरो टू कर दो, वन ये है ना, दूसरा पार्टीशन 0.2 कर दो, 0.2 जीरो टू बस सेव कर दे। हाँ पहले वाले को तो कमेंट कर दो ना। क्यों कमेंट करोगे? ये ऊपर वाले को नहीं, इसको भी रहने दे, इसको रहने दो, ये डेटा पार्टीशन के अंदर माउंट होगा, मेन सिस्टम उसमें चल रहा है तुम्हारा। वो तो ठीक है सर, हम यूआईडी ले लिए थे यानी उसका पूरा पाथ ले लिए। हाँ। हम डेटा में माउंट कर रहे हैं। हाँ। इसमें एक एक्स्ट्रा ए लग रहा है, नेट देव डिफॉल्ट्स के जगह पे लग रहा है भाई। हाँ तो डिफॉल्ट्स क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे? डिफॉल्ट्स भी लिख सकते हो, नेट देव का मतलब ये है कि जो डिवाइस है वो नेटिंग द्वारा माउंट किया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा देने के लिए। ये जो ये हमने जो माउंट किया है ये रिमोट ड्राइव है। ओके सेव करो। साउंड बंद करो यार लैपटॉप का, तुम साउंड क्यों रखते हो? अच्छा लगता है, क्यों करते हो? अब डायरेक्टरी बनाओ, एनपीडीआर करके डेटा नाम का लिख लिया तुमने। अब माउंट ही करने चलो, df-h तो बना ही चुके हो ना? क्यों नहीं हो रहा जीबी का तुम्हारा?
temporary mounting number. पता है क्या हो गया, दिक्कत है जिस नाम से वहाँ पे पार्टीशन तुमने बनाया ना वो सेम नाम का जो हमारा डिफॉल्ट रूट फाइल सिस्टम होता है वो भी एचडीए के नाम से ही होता है AWS में। अच्छा, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है किसको लेना है करके। Gracias.